Hello, my dear students. Today we shall be doing subgroup tests, one step test, two step test. उन दोनों का proof आपको कराया जाएगा बहुत अच्छे से, और ये important भी है आगे के syllabus के लिए, क्योंकि इस test के बाद ये जो दो test आप करने जा रहे हैं, इनके बाद जब कभी भी आप subgroup proof करेंगे, इन्हीं का use करके करेंगे. Really beneficial, really important. देखो, what is one step test and what is two step test? पहले two step test करते हैं. सब ग्रुप के लिए टू स्टेप टेस्ट क्या है बेटा? स्टेटमेंट, इफ जी इज अ ग्रुप एंड एच कंटेन इन जी बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली. वो दो स्टेप्स कौन से वो देखिए. पहला आपको पता ही है क्लोजर होता है बेटा, एंड दूसरा है आपका इनवर्स. भाई स्टेटमेंट थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा कि क्या कर रहा है, वो आपको क्लियर होना चाहिए. आपको ये इफ एंड ओनली पे तो ये लेट करेंगे, ये दोनों प्रूव करेंगे, फिर ये दोनों प्रूव करेंगे, ये दोनों लेट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे. फॉरवर्ड पार्ट एंड कन्वर्स पार्ट, दैट शुड बी क्लियर. तो पहले फॉरवर्ड पार्ट देखिए, फिर कन्वर्स पार्ट करते हैं. देखो मेरे बेटा, फॉरवर्ड पार्ट, अगर आपने एक बार ये लेट कर लिया कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, दैट सिंपली मीन्स एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप. That is closure, associative law, existence of identity, and existence of inverse. All valid in H. अब देखिए जरा भाई, सब ग्रुप लेट किया यानी वो खुद ग्रुप बन गया, तो क्लोजर एसोसिएटिव लॉ आइडेंटिटी इनवर्स तो एच में आ जाएगा. उन इन चारों में से आपको दो ही तो चाहिए, आपको क्लोजर चाहिए और आपको इनवर्स चाहिए. दैट इज वन एंड टू आर ट्रू इन दिस केस. ठीक है बच्चे, अच्छे से लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके. तो बेटे ये फॉरवर्ड पार्ट में तो आपको कुछ भी नहीं करना है सच कहूँ तो, जो करना है हमें कन्वर्स पार्ट में करना है, वो बड़ा धमाकेदार होने वाला है. तो चलते हैं अभी कन्वर्स पार्ट. देखिए बहुत तरीके से देखिएगा कन्वर्स पार्ट. सपोज वन एंड टू आर ट्रू. अच्छा जी, इसके पहले कि मैं यहां कुछ लिखूं, लेट मी राइट. क्या चीज शो करना है मेरे बेटे? एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. जरा इसको साइड में लेके चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. देखो मेरे बेटा, टू शो एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, दैट इज टू शो एच इज इटसेल्फ अ ग्रुप. उसके लिए क्या चीज शो करना है मेरे बेटा? क्लोजर चाहिए, एसोसिएटिव लॉ चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए और इनवर्स चाहिए. ये सब किसमें चाहिए आपको? एच में. दैट शुड बी क्लियर. ओके, अब इन चार में से अगर केयरफुली आप देख पा रहे हैं, इन चारों में से दो चीज़ें तो गिवन है भाई. स्टेटमेंट वन तो क्लोजर है, तो ये तो आ गया. अच्छा जी, स्टेटमेंट टू इनवर्स है, ये भी आ गया. तो अपने दिल से पूछिए क्या क्या बचा शो करने के लिए? एक एसोसिएटिव लॉ और एक आइडेंटिटी. एसोसिएटिव भी छोड़ दीजिए, असली चीज़ आइडेंटिटी है. किसी तरह आइडेंटिटी आ जाएगा, काम हो जाएगा. देखिए ज़रा कैसे आएगा भाई, मैं नोट लिख रहा हूँ एक, बहुत ध्यान से देखो. देखो ये कुछ भी करने के लिए ये वाला काम करने के लिए, प्रूव करने के लिए, या इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करने के लिए. अगर आपको इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है, जो कि आपके पास ओनली थिंग टू यूज़ है बेटा, इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करने के लिए आपके पास एलिमेंट्स तो होने चाहिए. क्या एच के पास एलिमेंट्स हैं भी या नहीं है? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, तो ध्यान ही नहीं दिया आपने. अरे भाई, एच तो नॉन एम्प्टी है. हाँ जी, नोट देखिए,
एच इज नॉन एम टी, अगर कोई सेट नॉन एम टी है तो क्या होगा मेरे बेटा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, ओके दैट इज कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू एच। अच्छा जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, देखो मेरे बेटे ये आपका एक्स आ गया, बहुत ध्यान से करेंगे काम आप और हम। अब स्टेटमेंट वन में दो एलिमेंट्स तो दिख ही रहे हैं आपको कि दो एलिमेंट्स होंगे तब जाके स्टेटमेंट वन यूज होगा, लेकिन स्टेटमेंट टू में एक ही एलिमेंट से हो जाएगा, तो बेटा अगर एक्स है तो फिर एक्स का इनवर्स भी आएगा बाय स्टेटमेंट टू, दैट इज बाय टू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। बहुत बढ़िया, अब देखो एक्स भी है और एक्स इनवर्स भी, अब दो एलिमेंट्स हो गए, जैसे दो एलिमेंट्स हो गए तो पहले वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। हाँ जी therefore x and x inverse belongs to h, दोनों चीजें आ गई, this implies x x inverse belongs to h, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा by one, now what is this, this is the, बहुत बढ़िया ऐसे चलोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, जिसमें से आपका आइडेंटिटी भी आ गया। अब बताइए क्लोजर पहले ही बोल दिया था उन्होंने, इनवर्स पहले ही दे दिया था, आइडेंटिटी आपने प्रूव कर लिया, अब क्या बचा है एसोसिएटिव, बड़े आराम से हो जाएगा, अभी कर लेते हैं। आई मीन नो हरी, आराम आराम से कर लीजिए, सब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो मेरे बेटा फाइनली हम शो करने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन एच। तो कैसे शो करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ एच में होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा, पिक्चर देखिए जरा, दिस इज जी दिस इज एच, अगर आपको एच में, अगर आपको एच में एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है तो बेटा एलिमेंट्स भी एच से लेने पड़ेंगे, ले लेते हैं, तीन एलिमेंट्स लिए मैंने, ए लिया बी लिया सी लिया, सो लेट A, B and C belongs to H. और शो क्या करना है, दैट यू नो वेरी वेल, A B along with C should be equal to A along with B C. अच्छा जी, नाउ अब मैं नोट लिख रहा हूँ बेटा आपका, अच्छे से देखिएगा और आराम से आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अगर A B C H के मेंबर्स है तो A B C तो G के मेंबर्स भी होंगे, ओके, A B C belongs to H, this implies A B C belongs to G, which is a group. अब भाई अगर G group है तो इसका associative law लगाइए, this implies AB along with C, this should be equal to A along with BC, ठीक है ना, associative law of G, बेटा यही तो prove करना था आपको, आराम से हो गया, देख लीजिए आपने तीन elements H से लिए और वो associative law follow कर रहे हैं, so ये associative law H के सारे elements के लिए valid हो जाएगा। I hope this is clear to all of you, let me repeat again, हमने आइडेंटिटी प्रूव किया, हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूव किया, आप कहेंगे सर क्लोजर और इनवर्स का है, बेटा वो दिया ही हुआ था, तो आपका एच सब ग्रुप हो गया, बिल्कुल कायदे से अच्छे से आपको बता दिया गया है, खूब अच्छे से लिख लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट थिंग, अब अनदर इम्पॉर्टेंट इशू, वन स्टेप टेस्ट, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी आपने टू स्टेप टेस्ट किया था, अब आप वन स्टेप टेस्ट करोगे, इसका क्या स्टेटमेंट है, लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली one and only one statement, the AB belongs to H implies AB inverse belongs to H, and this time challenge बहुत बड़ा है, statement छोटा है लेकिन challenge बहुत बड़ा है, बड़ा interesting proof होने वाला है, जरा ध्यान से देखें,
फॉरवर्ड पार्ट देखिए, कन्वर्स पार्ट देखिए। देखो बेटा, फॉरवर्ड पार्ट में आपने लेट किया, लेट एच बी या सब ग्रुप ऑफ बी। आपको शो क्या करना है मेरे बेटा, आपको शो करना है अगर ए बी एच में है तो ए बी इनवर्स बी एच में होना चाहिए। पिक्चर देखिएगा फटाफट से, ये एच है आपका जो कि सब ग्रुप है मेरे बेटा, ए है आपके पास, बी है आपके पास, मेरे को पता है आपको क्लोजर याद आ रहा होगा, जैसे आप क्लोजर लगाएंगे तो ए बी बनेगा, लेकिन आपको ए बी नहीं चाहिए, आपको ए बी का ए बी इनवर्स, ए विद बी इनवर्स, तो यानी बी की जगह बी इनवर्स हो तो मजा आ जाए, तो हो ही जाएगा। बी अगर एच में है दिस इंप्लाइज बी इनवर्स बी एच में, क्यों, इट्स अ सब ग्रुप। अब बताओ जरा, तीन चीजें आ गई, ए आ गया, बी आ गया, बी इनवर्स आ गया, तो क्लोजर किन दो पे लगाना है ना, इतनी समझदारी इतनी अकल तो आपके अंदर होनी चाहिए। देयरफॉर ए कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स, तो ये मैं लिख रहा हूँ क्लोजर इन एच। बेटा ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो कभी भी परेशानी नहीं होगी, अच्छे से देख लीजिए, एक एक लाइन क्लियर है। फाइन, अब आते हैं इसका जो ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, कन्वर्स पार्ट, जो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। हाँ बेटा, अगर किसी को लिखने में परेशानी हो रही है कि थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, तो मैं हट ही गया हूँ, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते। कन्वर्स पार्ट, ये धमाकेदार चीज है। सपोज ए बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, एक ही स्टेटमेंट है, इसको स्टार मार्क करके छोड़ दिया मैं। ओके लेट मी राइट हियर, क्या शो करना है मेरे बेटा, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। बेटा बहुत ध्यान से एक 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 लाइन एक एक स्टेप देखिएगा, क्या मजेदार चीज है। यस, एच अगर सब ग्रुप है जी का, बेटा इसके लिए इटसेल्फ अ ग्रुप होना चाहिए, यानी कि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, ये सब के सब एच में होने चाहिए। रिमेम्बर पिछली बार वाला प्रिविलेज नहीं है, चार में से दो चीज़ें दी हुई थी, क्लोजर दिया था, इनवर्स दिया था, इस बार तो कुछ भी नहीं दिया, ना तो ये क्लोजर है ना ये इनवर्स है, अब तो चारों चीज़ें प्रूव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, वी हैव टू प्रूव दीज फोर थिंग्स यूजिंग दिस वन सिंगल स्टेटमेंट ओनली, सो टू यूज दिस स्टेटमेंट वी नीड एलिमेंट्स इन एच, क्या एच के पास सच में एलिमेंट्स हैं। अगेन पिछली बार की तरह ही बेटा, ये तो नॉन एम्प्टी दिया हुआ है और नॉन एम्प्टी यूज करना पड़ेगा आपको नाउ, और एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या तरीके से, बहुत तरीके से आपको प्रूव कराया जाएगा। तो मैं ओके चलने दो, सिंस एच इज नॉन एम्प्टी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, कम से कम कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, ए ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, जो जी में आए ले लो, चलो ए ले लीजिए। हाँ जी, साथ ये बेटा इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए, क्या हम अभी इस पोजीशन में हैं कि इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सके। इस स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए तो दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऐसा लग रहा है शायद हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, क्यों नहीं कर पाओगे भाई, इस स्टेटमेंट में कहीं ये लिखा हुआ है कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं लिखा, यानी ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं भाई, अगर इक्वल नहीं हो सकते तो लिखना चाहिए था ना वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, तो इक्वल भी हो सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं सर आप, बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो की जरूरत नहीं है, एक को दो बार लिख दीजिए, तीन बार लिख दीजिए, दस बार लिख दीजिए। हाँ जी, सो दैट इज हो गया खत्म। अगर ए ए एच में है मेरे बेटा, इधर भी ए रखिए, इधर भी ए रखिए, तो क्या मिलेगा मेरे बेटा, ए ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ वाई स्टार, तो दिस इम्प्लाइज, अरे तो बात बात में ही कुछ प्रूव हो गया, चार में से क्लोजर आइडेंटिटी सॉरी क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स में से आइडेंटिटी आ गया, बस धीरे 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 सारा काम हो जाएगा। कैसे, ऐसे आओ जरा, कितना एलिमेंट्स आ गया, ए तो पहले ही था और इस आर्गुमेंट से ई भी आ गया। अच्छा, अब ए ई अगर आप यहाँ रखेंगे ए ई, तो बेटे यहाँ ए ई इनवर्स आएगा, किसी काम का नहीं है, बट अगर आप ए ई की जगह ई ए रख देंगे, मतलब पहले स्पॉट पे ई रखो दूसरे पे ए रखो, मिल गया ना मज़ेदार चीज़।
बस यही बच्चों की तरह ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, e कॉमा a बिलोंग्स टू h, दिस इंप्लाइज e a इनवर्स बिलोंग्स टू h। फाइव स्टार। अच्छा जी, व्हाट इज e a इनवर्स मेरे बेटा? बहुत बढ़िया बेटा, जी यहाँ आपने आइडेंटिटी प्रूव कर लिया बातों बातों में, यहाँ इनवर्स प्रूव कर लिया, तो कमाल ही कर दिया। अब ठीक है, अब देखिए जरा चार एग्जाम्स में से क्या क्या बचा है हमारे लिए। अजी क्या क्या था मेरे बेटा? क्लोजर था, एसोसिएटिव था, आइडेंटिटी था और इनवर्स था। और ये चारों चीज़ें आपको एच में प्रूव करनी है। आपने बात बात में इनवर्स कर लिया, बात बात में आइडेंटिटी कर लिया, आपके लिए क्लोजर है और आपके लिए एसोसिएटिव ला तो पहले की तरह ही हो जाएगा, छोड़ो उसको, क्लोजर पे ध्यान लगाते हैं। व्हाट इज क्लोजर? अगर दो एलिमेंट्स एच में हैं, मान लीजिए पी क्यू एच में है, तो किसी तरह अगर आपने पी क्यू प्रूव कर दिया तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे होगा, दिस इज सॉरी, हाँ जी नेक्स्ट, क्लोजर इन एच, सपोज किया आपने पी कॉमा क्यू बिलोंग टू एच। बेटा क्लोजर से इमिडिएटली मिल सकता है पी क्यू, लेकिन वो आपको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और आपके पास दिस इज द ओनली स्टेटमेंट टू यूज, तो यहाँ पी रखो यहाँ क्यू रखो, मज़ा नहीं आया आपको, तो पी क्यू इनवर्स मिला। भाई अगर मैं यहाँ पी और यहाँ क्यू रखूँगा तो मेरे को तो पी क्यू इनवर्स मिलेगा, जबकि आपको अच्छे से पता है ये क्लोजर नहीं है, क्लोजर के लिए तो पी क्यू होना चाहिए। अच्छा थोड़ा सेंस लगाइए, तो क्यू इनवर्स की जगह अगर क्यू यू नो क्यू आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये है क्या चीज़ भाई, ये स्टेटमेंट को एनालाइज तो करो। स्टेटमेंट ये है कि भाई अगर ए बी एच में है तो दिस इम्प्लाइज ए अलॉन्ग विद बी इनवर्स एच में। अच्छा जी, अगर एक्स वाई एच में है ये जो स्टेटमेंट, तो बेटा दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज एक्स अलॉन्ग विद वाई इनवर्स एच में। थोड़ा सा और सेंसिबली प्ले करते हैं इसको, अगर मैं इसकी जगह पहले से वाई इनवर्स ले आया तो क्या मिलेगा? आया समझ में आप लोगों को? भाई दिस शुड बी क्लियर, दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, इतना तो बच्चे को करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको क्लोजर चाहिए तो बेटा यहाँ जो सेकंड एलिमेंट लिखना है ना, उसका इनवर्स लेके आओ कहीं से। तो पी क्यू तो है, अब ये बताइए पी क्यू अगर एच में, तो क्या पी और क्यू इनवर्स भी एच में होगा? अरे अभी तो प्रूव किया आपने, देखो जो एलिमेंट आया था ये उसका इनवर्स भी है, अभी तो प्रूव किया था। आइए अब कर लेते हैं, जो भी एलिमेंट एच में आ गया उसका इनवर्स एच में है, प्रूव कर चुके हैं। नोट, ठीक है मेरे बेटा, देयरफोर अब आपके पास है पी कॉमा क्यू इनवर्स बिलोंग टू एच। मेरे बेटा यहाँ पी रखो और यहाँ क्यू क्यू इनवर्स रखो, और अब जो आपको स्टार अप्लाई करना है इसके लिए और इसके लिए अप्लाई करना है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इम्प्लाइज पी अलोंग विद क्यू इनवर्स होल इनवर्स बिलोंग टू एच, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाई स्टार। दिस इम्प्लाइज पी क्यू बिलोंग, आई होप दिस इज क्लियर। बेटा आपने क्या क्या कर लिया? आपका इनवर्स हो गया, सॉरी आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, क्लोजर हो गया, बहुत मज़ेदार चल रहा है सब कुछ। लास्टली एसोसिएटिव लॉ, यू नो जैसे पहले किया था वैसे कर लेते हैं। तो तीन एलिमेंट्स ले लीजिए, ए ले लीजिए या बी ले लीजिए या सी ले लीजिए, मैं आर्गुमेंट लिख भी देता हूँ फाइनली। ए बी सी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी सी बिलोंग्स टू जी विच इज अ ग्रुप, दिस इम्प्लाइज ए बी अलोंग विद सी दिस शुड बी इक्वल टू ए अलोंग विद बी सी। फाइन, तो सब कुछ आपका आराम से प्रूव हो गया, चारों एग्जाम्स बड़ा शांति से बड़ा तरीके से आपने सब कुछ प्रूव कर लिया। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस धमाकेदार प्रूफ भाई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे कभी भी लाइफ में आपको सब ग्रुप शो करना है, इधर यू यूज़ वन स्टेप टेस्ट और टू स्टेप टेस्ट। मैं हट जाता हूँ सामने से,
एंड सामने से हटने से पहले बेटा आई होप ये दोनों प्रूफ्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसे और अच्छे प्रूफ्स के साथ। थैंक यू।